सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के कौन नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर बैठे बैठे ही बिना किसी सॉफ्टवेयर के जो है अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों कैसे, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों ये देखेंगे कि हम कैसे अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, तो ये हमारे वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पेन ड्राइव को जो है बारे में बता दूँ कि आपका पेन ड्राइव जो है कम से कम 8 GB का तो होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो आजकल के दोस्तों जो विंडोज़ के जो फाइल आ रहे हैं वो 4 GB के ऊपर ही आ रहा था। दोस्तों 4 GB के पेन ड्राइव में ये हो तो जाएगा दोस्तों कि आपका पेन ड्राइव बूटेबल, लेकिन जो है ये करप्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पेन ड्राइव का जो है 4 GB अगर होता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा और विंडोज़ खुद रिकमेंड करता है कि आपका जो पेन ड्राइव है 8 GB से ऊपर का होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास 8 GB का पेन ड्राइव है, तो मैं इसे अपने सिस्टम में इंसर्ट कर देता हूँ और उसके बाद का मैं जो आपके स्टेप बताता हूँ कैसे क्या। तो दोस्तों हमने अपना पेन ड्राइव को जो है अपने सिस्टम में इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद आपको जाना है अपने स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ टाइप करना है CMD। जब ऐसे खुलेगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसको मैं बताऊँ कि राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जरूर कर लें। दोस्तों इससे ये होता है कि आपको बाद में भी ये ऑप्शन देना ही पड़ेगा, तो इसे हम पहले दे देते हैं। तो इसमें आप टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है डिस्क पार्ट। तो दोस्तों इस दोनों के बीच में, डिस्क पार्ट के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। तो स्पेस डिस्क पार्ट लिखने के बाद आपको करना है एंटर। तो एंटर करने के बाद तो दोस्तों ये आपको डिस्क पार्ट दिखा देगा। तो इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे लिस्ट डिस्क। तो लिस्ट और डिस्क में जो है स्पेस दे के आपको लिखना है। तो लिस्ट डिस्क लिख दिया हमने, इसके बाद करना है एंटर। तो एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाएगा दो हार्ड ड्राइव हमारे में लग रखे हैं और जो तीसरा है डिस्क 2, तो ये हमारा पेन ड्राइव है 8 GB का। तो जो हमारा 8 GB का पेन ड्राइव है, तो हमें अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले करना है सेलेक्ट। तो हमें करना है अपने डिस्क को सेलेक्ट लिखना है हमें सेलेक्ट डिस्क 2। सेलेक्ट डिस्क 2 लिखने के बाद हमें सीधा एंटर मार देना है। तो देख सकते हैं ये हमारा दिखा रहा है यहाँ पे डिस्क 2 इज़ नाउ द सेलेक्टेड। तो इसके बाद हमें टाइप करना है, हमें अपने पेन ड्राइव को जो है फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है क्लीन CLEAN क्लीन लिख दिया और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद तो दिखा रहा है दोस्तों हमारा डिस्क सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क। तो इसके क्लीन होने के बाद हमें यहाँ पर अपने पेन ड्राइव का जो है पार्टीशन क्रिएट करना है। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ये लिखने के बाद दोस्तों हमें करना है एंटर। तो यहाँ पे बता रहा है डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्रिएटिंग इन स्पेसिफिक पार्टीशन। तो ये करने के बाद हमें यहाँ पे करना है जो हमारा पेन ड्राइव का जो है पार्टीशन हो गया, इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है अपने पार्टीशन को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट पार्टीशन 1, ये लिखने के बाद हमें कर देना है एंटर। जैसे हम एंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बताएगा कि नाउ सेलेक्टेड डिस्क पार्ट पार्टीशन वर्स इज़ नाउ सेलेक्टेड। तो इसके बाद हमें करना है इस पार्टीशन को एक्टिव। तो हमें यहाँ पर टाइप करना है एक्टिव। एक्टिव टाइप करने के बाद हमें कर देना है एंटर। तो जब हम अपने इसे एंटर करेंगे, एक्टिव हो गया हमारा डिस्क। देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर इस पेन ड्राइव को जो है हमें पूरा क्लीन करना है, फॉर्मेट करना है दोबारा से। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे फॉर्मेट इज स्पेस FS इज इक्वल टू NTFS। तो दोस्तों जो विंडोज़ होते हैं वो ज़्यादातर NTFS ही होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे NTFS लिखते हैं NTFS फिर स्पेस क्विक। तो हमें क्विक जल्दी से करना है हमें। तो ये लिखने के बाद हमें कर देना है एंटर।
तो दोस्तों ये हमारा जो है बूटेबल होना स्टार्ट हो गया पेन ड्राइव हमारा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेगा दोस्तों, 10 या 5 मिनट, 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है दोस्तों। ये हमारा जो है स्टार्ट हो गया बूटेबल होना पेन ड्राइव। तो इसके बाद मैं दिखाता हूँ ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमारा जो है ये 100% कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे टाइप कर देना है, ये बता रहा है ना डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। तो इसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है एग्ज़िट। एग्ज़िट टाइप करने के बाद हमें सीधा जो है अपने CMD से बाहर आ जाना है। तो CMD से बाहर आने के बाद दोस्तों जो हमारा पेन ड्राइव है ये बूटेबल हो गया है। आप देख सकते हैं ये पेन ड्राइव में जो है कुछ कुछ परसेंट जो दिखा रहा है हमारा जो है इसमें। इसके बाद हमें यहाँ पे करना है अपने जो विंडोज़ का जो फाइल होता है उसे हमें इस पेन ड्राइव में जो है कॉपी करना है। तो मैं कॉपी कर दिखा देता हूँ जो हमने बना रखा अपने विंडोज़ का जो फाइल सेटअप फाइल जो होता है दोस्तों, इसे यहाँ से सीधा हमने करा कॉपी और अपने पेन ड्राइव पर गए और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो दोस्तों ये जैसे ही पेस्ट हो जाएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा दोस्तों, कितना 10 मिनट का कॉपी होने में, या डिपेंड करता है कि आपके पेन ड्राइव का जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है कॉपी होने में। तो दोस्तों ये कॉपी होता है तब तक अब ये मैं बताता हूँ इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों। जैसे ही आपका ये कॉपी हो जाएगा तो सीधा आपको इसके अपने पेन ड्राइव से सिस्टम से निकालना है पेन ड्राइव को और अपने उस लैपटॉप फिर कंप्यूटर में लगाना है जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। उस पर लगाने के बाद दोस्तों आप जो आगे का वीडियो मैं अगला वीडियो डालूंगा वो बताऊंगा कि कैसे आप अपने विंडोज़ को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो जो आगे आने वाला वीडियो है उसे ज़रूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों, क्योंकि यार मैम लाइक की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। नए नए यूट्यूबर जो नए बनना चाहते हैं, नया नया जिनका चैनल आया है, तो दोस्तों इससे वो मोटिवेट होते हैं और अपने कंटेंट पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं दोस्तों, और अपने अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।